पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए थे। वहाँ महर्षि भृगु पहुँच जाते हैं। महर्षि भृगु वैकुंठ धाम पहुँचते ही भगवान विष्णु की छाती पर पांव मारते हैं। लात मारते ही भगवान महर्षि के चरण पकड़कर पूछते हैं, ईश्वर कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? तभी महर्षि हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप बहुत ही सहनशील हैं। ये सब देखकर माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और वो वैकुंठ धाम छोड़ देती हैं। भगवान जब लक्ष्मी जी को ढूंढते हैं तब उन्हें पता चलता है कि माँ ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपना रूप बदल कर पद्मावती के पास जाकर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव है। भगवान के प्रस्ताव को पद्मावती स्वीकार कर लेती है। भगवान को विवाह करना था लेकिन उनके पास धन नहीं था क्योंकि लक्ष्मी जी के जाने से विष्णु जी धन विहीन हो जाते हैं। इस दौरान उन्होंने कई देवताओं और कुबेर से धन का कर्ज ले लिया। कुबेर और देवताओं से कर्ज लेने के बाद भगवान विष्णु वचन देते हैं कि वह कल के अंत तक सारा कर्ज चुका देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कर्ज खत्म नहीं होगा, चुकाते रहेंगे। इसके बाद भगवान वेंकटेश ने शादी कर ली। तब से भगवान बालाजी